सो देखो बेटा, लास्ट टाइम आपका टॉपिक शुरू किया सी पोटेंशियल एनर्जी, और उस तो बाद आप एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दी एक्सप्रेशन डिराइव की सी, और दूसरा आप कैलकुलेशन की सी वर्क डन बाय द इलास्टिक फोर्स, और उस दे नाल वर्क डन अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स, दो एक्सप्रेशंस कीतियां सी ना। हुण बेटा जो आपां कैलकुलेशन कीती सी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड एट ए पर्टिकुलर हाइट, है ना, वो कंसेप्ट लिया सी, और उहदे च असीं मन्निया सी कि जदों बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है तो वो पोटेंशियल एनर्जी असी जीरो मान लें, रेफरेंस लैवल जीरो मान लें, है ना, और अगर वो बॉडी सर्टन हाइट पे है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ तो वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मनी सी एम जी एच। हूँ बेटा जो एम जी एच है ये थानू दसिया होया एक स्पेशल पर्टिकुलर केस है ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ये उदों यूज होना जदों एच जो हाइट इन्वॉल्व है वो काफ़ी छोटी है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो बट अदरवाइज अलग फार्मूला भी आएगा, है ना, बट हाले अपना स्टिल ये नाल ही काम चल जाना वा इसे फार्मूला नाल। दूसरा अपन जदों कल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की गल शुरू की सी बेटा, तुसी की देखिया कि अगर कोई स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, मतलब नॉर्मल लेंथ है, और उस तो बाद जो स्प्रिंग है अगर एक्सटेंड कर जाए थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स, या स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल लेंथ, ता उस केस दे विच बेटा स्प्रिंग अगर नॉर्मल लेंथ तो एक्सटेंड हो रहा थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स, या अगर स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ तो कंप्रेस हो रहा थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स, ता वर्क डन अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स जो रिजल्ट आया सी दैट वाज हाफ के एक्स स्क्वेयर बेटा आया सी रिजल्ट। हुण भी हुण इनू थोड़ा जा इस रिजल्ट नू डिफरेंट सिचुएशन लिए डिस्कस करना वो, तो देखो मतलब अगर कोई हुण गल नू बड़ा आराम दे नाल ध्यान नाल सुनो बेटा, अगर कोई स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा या एलोंगेट हो रहा ना, स्ट्रेच हो रहा थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल लेंथ, शुरू च नॉर्मल लेंथ है उस तो बाद वो कंप्रेस या एलोंगेट कर रहा, ता वर्क डन अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स हाफ के एक्स स्क्वेयर है। पर कई बार की होएगा बेटा, हुण गल नू समझो कि अगर मान लो लिसन आ बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि अगर थोड़े सामने जो स्प्रिंग है, ठीक है, हुण मैं आ डायग्राम शो कर रहा हाँ कि इत्थे तक आ है स्प्रिंग दी नॉर्मल लेंथ, आ नॉर्मल लेंथ है स्प्रिंग दी, और ये जड़ा स्प्रिंग है बेटा ये नॉर्मल लेंथ तो यदि मान लो ऑलरेडी लेंथ अलग है, और नॉर्मल लेंथ तो किन्नी लेंथ ज्यादा वा एक्स वन, तो मतलब आ जड़ा स्प्रिंग है यदि जड़ी नॉर्मल लेंथ है वो इन्नी है, पर ए इस वक्त ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका वा थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स वन, और अगर आप इस स्प्रिंग नू फर्दर इथ तक लेके जाना
मतलब जदों इत्थे सी इनिशियली तो यदी एक्सटेंशन सी एक्स वन, तो हुण आपां इहदी एक्सटेंशन करनी है बेटा एक्स टू। हुण इस केस दे विच फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू वर्क डन किन्ना होएगा बेटा, हुण ध्यान दियो। बेसिकली हुण देखो फार्मूला केड़ा लगाना, थानू याद होएगा कि ये आपां कैलकुलेट कीता सी वर्क डन अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स, है ना। पर इनू कढ़न तो पहला आपां वर्क डन बाय द इलास्टिक फोर्स निकालिया सी, थानू याद होएगा। तो वर्क डन बाय द इलास्टिक फोर्स की आया सीगा, देखो वर्क डन बाय द इलास्टिक फोर्स वो तुसी कैलकुलेट किया सी माइनस के एक्स डी एक्स नू इंटीग्रेट करके बेटा आया। हुण कल वाला रिजल्ट याद करो, जदों आपां कल वर्क डन बाय द इलास्टिक फोर्स कैलकुलेट किया सी ना, उहदे च स्प्रिंग पहला इनिशियली नॉर्मल लेंथ च सी, इस करके उहदी जिहड़ी इनिशियल चेंज इन लेंथ सी वो जीरो सी और फाइनल लेंथ चेंज इन लेंथ एक्स सी, और इहदा आंसर तुहाडा आ गया सी माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर। पर हुण बेटा इत्थे देखो, हुण स्प्रिंग ऑलरेडी अपनी नॉर्मल लेंथ तो किन्ना अलग है एक्स वन, और फाइनल लेंथ किन्नी नॉर्मल लेंथ तो अलग है एक्स टू। तो हुण बेटा एक्स स्क्वेयर बाय टू च टू बाहर आ गया, एक्स स्क्वेयर लिमिट्स एक्स वन टू एक्स टू। और अगर वर्क डन अगेंस्ट है तो प्लस हो जाना। तो कहने का मतलब की है बेटा कि जदों थोड़े सामने स्प्रिंग ऑलरेडी उसकी लेंथ चेंज हो चुकी है और उस तो बाद फर्दर उसकी लेंथ नू चेंज करना, तो फिर लिमिट्स जिहड़ियां वो जीरो तो एक्स नहीं लैनी, फिर इनिशियल लिमिट ते फाइनल लिमिट जो भी रिक्वायर्ड सिचुएशन तो आएगी गिवन सिचुएशन तो वो अकॉर्डिंगली लिखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनू आप नोट कर लेना। अच्छा हुण बेटा ध्यान दो, क्योंकि कल थानू दस्या सी कि जो इलास्टिक फोर्स है ना वो केड़ी फोर्स है, इलास्टिक फोर्स कंजरवेटिव फोर्स। हुण आ है वर्क डन बाय द कंजरवेटिव फोर्स और आ है वर्क डन अगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स। हुण ध्यान दियो पुत, आ है वर्क डन बाय द कंजरवेटिव फोर्स इलास्टिक फोर्स, ए है वर्क डन अगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स। और वर्क डन अगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स केदे बराबर हुंदा बेटा, तो वर्क डन अगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स हुंदा डेल्टा यू, ते वर्क डन बाय द कंजरवेटिव फोर्स हुंदा माइनस डेल्टा यू। याद है ना। हुण देखो गल नू समझो। हुण बेटा आ है वर्क डन अगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स, तो ये वर्क डन के दे बराबर है डेल्टा यू दे बराबर। हुण आ गल नू समझो पुत, पर डेल्टा यू की है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल है। हुण देखो हुण अगर दोनों साइड्स नू कंपेयर करो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई हाफ के एक्स टू स्क्वेयर, और इनिशियल कितनी आ गई हाफ के एक्स वन स्क्वेयर, है ना। हुण उहदे च समझे की तुसीं कि एक्चुअली, हुण गल नू सुनो पुत, कि एक्स वन की है बेटा चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और इत्थे क्योंकि चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग इनिशियली एक्स वन है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, और एक्स टू फाइनल चेंज इन लेंथ है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स टू स्क्वेयर है। तो यदा मतलब इतों ध्यान दो, यदा मतलब पोटेंशियल एनर्जी की है
हाफ के एक्स स्क्वेयर, मतलब अगर किसी स्प्रिंग दी लेंथ चेंज हुई है बाय एक्स तो ओदी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हाफ के एक्स स्क्वेयर, और अगर स्प्रिंग दी लेंथ चेंज ही नहीं हुई, स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ से है तो एक्स जीरो होने करके पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। यदा मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ स्प्रिंग च आप रेफरेंस लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जीरो कदों लिया जदों स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ च है। मतलब गल सीखण वाली की है बेटा कि जदों थोड़े सामने कोई स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ च है मतलब ना तो वह कंप्रेस होया ना स्ट्रैच होया तो मतलब वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, वो जीरो लेनी है। जिदा आप रूटीन च कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है तो असी प्रेफरेबली रेफरेंस लेवल अर्थ दे सरफेस नू जीरो मान के वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेने हैं। उदा ही अज तो बाद याद रखना बेटा कि जोड़ा स्प्रिंग है ना तो जदों स्प्रिंग अनस्ट्रैच्ड है मतलब स्प्रिंग दी लेंथ नॉर्मल है ना तो स्प्रिंग कंप्रेस होया ना स्ट्रैच होया तो वो पोटेंशियल एनर्जी जी जीरो मानते हैं। मतलब असी नॉर्मल लेंथ ऑफ स्प्रिंग नू रेफरेंस लेवल लैके चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलते हैं। तो यदा मतलब अगर थोड़े सामने कोई स्प्रिंग है और वो लेंथ नॉर्मल लेंथ नालों चेंज हो चुकी है तो जिनी लेंथ वो चेंज हुई है वो एक्स है पुत, वो एक्स है तो कंप्रेशन वेले वो लेंथ घट जानी है और एलोंगेशन वेले वो लेंथ बढ़ जानी है, बट पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि एक्स स्क्वेयर आ रहा वा इस करके चाहे स्प्रिंग दी लेंथ डिक्रीज हुई है बाय एक्स और चाहे स्प्रिंग दी लेंथ एलोंगेट की है बाय एक्स तो दोनों केसेस दे विच ओदी पोटेंशियल एनर्जी सेम ही होनी है हाफ के एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एक्स स्क्वेयर है ना तो चाहे एक्स नैगेटिव है या पॉजिटिव है बट ओदा स्क्वेयर तो पॉजिटिव ही है। तो ये पॉइंट नू याद रखना तुसी। तो किसी भी स्प्रिंग दी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किहदे बराबर लिखनी है वो तो हुण देखो हुण क्योंकि 9th 10th तक असी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एम जी एच लेंदे आए हैं। हुण मैं थोनू कल गल क्लीयर की सी कि एम जी एच बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग दे केस च वो फार्मूला एम जी एच नहीं है, वो हाफ के एक्स स्क्वेयर है। तो ये दिमाग च रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुण बेटा इट्स नॉट क्लियर है यथार्थ, भरत नारायण साहिल अंकुश लक्ष्या चिराग समूहन नवनीत हम देखो बेटा कि जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है वो सानू क्लियर हो गया वे। दोबारा गल देखो बेटा तो आ फार्मूला ये फार्मूला तुसी याद रखना बेटा। हुण इस तो पहला आपां एक एग्जाम्पल जो है डिस्कस करन लगे हैं। देखो कि अगर बेटा थोड़े सामने आ एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट
स्टिफनेस कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट के वन है और दूसरा स्प्रिंग है थोड़े सामने, तो ये दो डिफरेंट स्प्रिंग्स है। हुन अगर उन्हें बोलिया होया कि जेड़ा सेकेंड स्प्रिंग है दैट इज मोर स्टिफर दैन फर्स्ट स्प्रिंग, तो इसका मतलब के टू ग्रेटर दैन के वन है। अगर फर्स्ट स्प्रिंग इज मोर स्टिफर दैन सेकेंड स्प्रिंग, फिर के वन ग्रेटर दैन के टू होएगा। तो आ बेटा आ गया थोड़े सामने, दो स्प्रिंग आ गए और आप दोनों की ओरिजिनल लेंथ सेम मान ली है ना, हो भी सकती नहीं भी कोई फर्क नहीं। हुण वो थानू की कहता कि आप दोनों स्प्रिंग्स नू स्ट्रैच किया, जो आप दोनों स्प्रिंग्स नू स्ट्रैच किया थ्रू सेम अमाउंट एक्स, तो दोनों स्प्रिंग्स नू स्ट्रैच किया बाय सेम अमाउंट एक्स, वो पूछेगा कि दसो इन विच केस मोर वर्क हैज बीन डन, किस केस ज्यादा वर्क किया गया। वर्क हुण थानू इत्थे केड़ा फार्मूला याद आना चाहिए बेटा कि थानू पता वा, क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग्स इनिशियली नॉर्मल लेंथ च है और इन्हों की चेंज इन लेंथ दोनों की एक्स है ना, तो जदों आप वर्क डन कैलकुलेट करना वा स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्मल लेंथ, तो उहदा फार्मूला है हाफ के एक्स स्क्वेयर। हुण बेटा क्योंकि दोनों स्प्रिंग्स की एक्स सेम है, दोनों स्प्रिंग्स की एक्स सेम दिती है, तो इहदा मतलब पहले स्प्रिंग और दूजे स्प्रिंग च वर्क डन की हो गया हाफ एक्स स्क्वेयर, दोनों लई सेम होण करके रेशो च कट्टी जानी के वन बाय के टू। हुण बेटा जो आप टर्म यूज की एक्स और टू दोनों लई सेम होण करके कैंसल आउट हो गए, तो वर्क डन क्योंकि के टू ग्रेटर दैन के वन है, तो यदा मतलब डबल्यू टू ग्रेटर दैन डबल्यू वन है। मीनस अगर थोड़े को दो डिफरेंट स्प्रिंग्स है, दोनों के स्प्रिंग कॉन्सटेंट्स अलग अलग है, के वन के टू ज़्यादा वा के वन तो गिवन है, पर दोनों स्प्रिंग्स की अगर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नॉर्मल लेंथ सेम है, तो किस केस च वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, जेदा स्टिफनेस कॉन्सटेंट ज़्यादा हो। तो ये तो हो गया बेटा वो केस जदों डिस्प्लेसमेंट दोनों की सेम है। हुण वो कह सकता वा बेटा, ध्यान दियो, हुण वो दूसरे केस च कह सकता कि आ दो डिफरेंट स्प्रिंग्स है, सैकेंड स्प्रिंग मोर स्टिफर दैन फर्स्ट स्प्रिंग है और दोनों स्प्रिंग्स के उपर असी सेम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की। बेटा हुण अगर डिफॉर्मिंग फोर्स सेम है बेटा, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी सेम होएगी, क्यों कल दसिया सी ना कि डिफॉर्मिंग फोर्स तो रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल बट ऑपोजिट है। हुण इस स्टेटमेंट च बोलिया गया कि दोनों स्प्रिंग्स जेड़े है उन्हां दे उपर असी सेम फोर्स अप्लाई की थी। ठीक, हुण केड़े केस च ज़्यादा वर्क डन होएगा है ना। हुण इहदे च एक्स नहीं गिवन बेटा, हुण ध्यान दिओ क्योंकि वर्क डन का केस है हाफ के एक्स स्क्वेयर, पर ये वर्क डन तां कढ सकदे जेकर एक्स पता होए के पता होए। हुण के बारे तो पता बट एक्स नहीं ना पता, हुण एफ बारे पता वा। हुण ध्यान दियो बेटा क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स हुंदी है माइनस के एक्स, ते डिफॉर्मिंग एक्सटर्नल फोर्स किन्नी हो गई कल्ली के एक्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स दे इक्वल बट ऑपोजिट हुंदी है, कल गल्लां कीतियां होईयां आपां। हुण इत्थों आपां की करिए एक्स की वैल्यू इत्थे पुट कर दिंदे आ, तो एक्स की है एफ बाय के, तो डबल्यू बन जाना बेटा हाफ के एफ स्केयर बाय के स्क्वेयर, एक के कटिया गया तो डबल्यू इज इक्वल टू एफ स्केयर बाय टू के। हुण एफ क्योंकि दोनों लई सेम है गिवन है, इहदा मतलब वर्क डन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू के है, मतलब जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्सटेंट ज़्यादा वा वह वर्क डन घट होएगा एंड वाइस वर्सा। तो
इहदा मतलब जिस स्प्रिंग दा वर्क डन सॉरी स्प्रिंग कॉन्सटेंट ज़्यादा वा उहदे च वर्क डन घट होना वा, इट मीन सैकेंड केस च वर्क डन घट होएगा। तो हुण तुहाडा आंसर की आएगा, इत्थे डबल्यू वन ओवर डबल्यू टू बन जाना के टू ओवर के वन, और के टू ग्रेटर दैन के वन होने करके डबल्यू वन ग्रेटर दैन डबल्यू टू आ जाना, उल्ट हो गया बेटा। तो ये सिचुएशन नूं तुहानूं पता लग मतलब समझ होनी चाहिए भी किस तरह असी इहनूं डील कीता ना। तो हुण बेटा ये तां सी स्प्रिंग दे बारे है ना, हुण नेक्स्ट हैडिंग लिखो नेक्स्ट हैडिंग है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बेटा। अच्छा एक गल सुनो पुत्र, जेडी काइनेटिक एनर्जी है ना कांट बी नैगेटिव, कभी नैगेटिव नहीं होनी, पर जेडी पोटेंशियल एनर्जी है ना इट मे बी पॉजिटिव नैगेटिव और जीरो, ये ध्यान रखना। हुण देखो भी अगर मान लो आ एक पार्टिकल है बेटा, इस पार्टिकल का मास एम है, तो ये पार्टिकल इस रेफरेंस लैवल तो नीचे है बाय एच। हुण अगर आप इस लैवल जीरो पोटेंशियल एनर्जी मनीए तो इस पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच नहीं लिखांगे, की लिखांगे माइनस एम जी एच, नैगेटिव, क्योंकि ये पोटेंशियल जिस रेफरेंस लैवल तो नीचे है ना, ऊपर नू होएगा तो प्लस। तो इस करके याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस जीरो हो सकती है ना। तो हुण बेटा आ कदी भी नैगेटिव नहीं होनी, ये जीरो होएगी या पॉजिटिव, बट आ नैगेटिव भी हो सकती है। इहदा मतलब इन्हां दोनों का सम मीन्स, हुण अगर ई दी वैल्यू है सपोज काइनेटिक एनर्जी है प्लस 7 जूल और पोटेंशियल एनर्जी है प्लस 2 जूल, तो प्लस 9 जूल आ गई है ना मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा केस ए फर्स्ट है, दूसरा केस मान लो काइनेटिक एनर्जी है प्लस 7 जूल बट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है माइनस 2 जूल, तो तामी मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई प्लस 5 जूल पॉजिटिव। बट अगर बेटा हुण गल नूं सुनो, अगर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है सपोज प्लस 9 जूल बट मैकेनिकल एनर्जी है माइनस 9 जूल, तो मैकेनिकल एनर्जी जीरो भी हो सकती। ठीक है, हुण गल नूं समझियो पुत्त, मैं दसदा गल। और तीसरी एग्जाम्पल है चौथी कि अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी है प्लस 11 जूल और पोटेंशियल एनर्जी है माइनस 15 जूल। हुण तुसी की नोट कर रहे हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नैगेटिव नहीं होनी, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नैगेटिव जीरो हो सकती है, और मैकेनिकल एनर्जी भी पॉजिटिव पॉजिटिव जीरो नैगेटिव हो सकती है। तो मैकेनिकल एनर्जी हुण थोड़ा जिहा ध्यान रखना पुत्र, एक टर्म हुंदी है एनर्जी है ना, वैसे तो आपां इत्थे एनर्जी मीनस मैकेनिकल एनर्जी ही ज़्यादातर केसिस च कंसिडर करते हैं, बट एनर्जी टर्म दे विच साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी सब तरह की इनवॉल्व हो जाती है, पर मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम है। और तुसी की देख रहे हैं कि जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी है वो प्लस माइनस जीरो हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो पॉजिटिव हो सकती है माइनस नहीं, तो जिहड़ी मैकेनिकल एनर्जी है वो भी प्लस माइनस नैगेटिव हो सकती है।
है ना, प्लस माइनस एंड जीरो हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि एक तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। दूसरी गल देखो, गल नू समझो, ध्यान दियो बेटा, क्योंकि आपां स्टार्टिंग पढ़िया सी कि जो काइनेटिक एनर्जी का सिंबल है के, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है यू, मकैनिकल एनर्जी का सिंबल है ई। तो काइनेटिक एनर्जी का कंसर्न है मोशन दे नाल, और मोशन दे नाल जुड़ी हुई टर्म है वेलोसिटी मोमेंटम। तो हुण बेटा ध्यान दियो, लिसन लिसन, फर्स्ट केस च काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, मकैनिकल एनर्जी भी पॉजिटिव है। सेकंड केस च काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, मकैनिकल एनर्जी भी पॉजिटिव है। थर्ड केस च काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है बट मकैनिकल एनर्जी जीरो है। हुण देखो कि अगर मकैनिकल एनर्जी जीरो है बेटा, तो इस एग्जाम्पल च काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। तो इहदा मतलब जो मकैनिकल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि जीरो नहीं है, इट मीन्स बॉडी मोशन च है तो मोमेंटम भी पोजेस करेगी। तो इट मीन्स अगर मकैनिकल एनर्जी जीरो है तो मोमेंटम जीरो होए जरूरी नहीं है। हुण अगली एग्जाम्पल भी देख लो, हुण आ भी हो सकता है ना कि जड़ी ई है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, तो तामी मकैनिकल एनर्जी जीरो है। बट मकैनिकल एनर्जी उदों भी जीरो है जदों काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो है। तो हुण देखो, हुण इस केस च मकैनिकल एनर्जी जीरो है और इस केस च भी मकैनिकल एनर्जी जीरो है, पर इस केस च चाहे मकैनिकल एनर्जी जीरो है बट काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो होन करके बॉडी मोमेंटम पोजेस करेगी। पर इस केस च मकैनिकल एनर्जी जीरो होन ते काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, इस करके मोमेंटम पोजेस नहीं करेगी। हुण फर्क नू समझो बेटा कि अगर मकैनिकल एनर्जी जीरो है तां बॉडी मोशन च हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो बॉडी मोशन च नहीं हो सकती। तो दो गल्लां नू डिस्टिंग्विश करना, काइनेटिक एनर्जी मकैनिकल एनर्जी, ये दो डिफरेंट एनर्जीज है। तो मकैनिकल एनर्जी अगर जीरो है तो बॉडी मोशन च है कि नहीं है, उहदे लई तुहानू काइनेटिक एनर्जी वल देखना पएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो है तो बॉडी मोशन च है, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो बॉडी रेस्ट ते है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी होएगी देन बॉडी मोमेंटम भी पोजेस करेगी। तो अगर बॉडी मोमेंटम पोजेस कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी होएगी, और काइनेटिक एनर्जी होने के बावजूद भी बॉडी की मकैनिकल एनर्जी जीरो हो सकती है। मतलब ये जो रिलेशंस है ना अलग अलग, तो वो माइंड च होने चाहिए है बेटा, उन्हां च कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए थानू किसी भी तरह की। तो हुण जदों असी गल कर रहे हैं मकैनिकल एनर्जी की, तो अगर मकैनिकल एनर्जी जीरो है तो मोमेंटम पोजेस कर भी सकती है बॉडी, नहीं भी कर सकती, पर अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो बॉडी मोमेंटम पोजेस नहीं करेगी क्योंकि रेस्ट ते है बॉडी। तो ये दोनों गल्लां नू डिस्टिंग्विश करना पुत। और अगली गल देखो कि ध्यान दो बेटा, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स लई है, क्योंकि ई है सम ऑफ के प्लस यू। हुण अगर ई के प्लस यू है बेटा तो के दी वैल्यू की हो गई, ई माइनस यू। हुण अगर तुसी मकैनिकल एनर्जी चो पोटेंशियल एनर्जी नू सबट्रैक्ट करदे आ और आंसर नैगेटिव आ जांदा, मतलब E माइनस यू अगर लैस दैन जीरो है, इहदा मतलब E माइनस यू मकैनिकल एनर्जी ते पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नैगेटिव है, तो वो काइनेटिक एनर्जी हो गई बेटा, वो कभी पॉसिबल नहीं होना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नैगेटिव। इस करके मकैनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट या तो जीरो होएगा तो या पॉजिटिव होएगा, लैस दैन जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ई माइनस यू का मतलब है के, तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नैगेटिव नहीं हो सकती। तो ये कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स है जिन्हों तुसी याद रखना। नैक्सट, हूँ बेटा
एक गल तुसी होर बड़ी इंपॉर्टेंट है जिहड़ी याद रखनी है, ओनू असी बोलते हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हुण देखो बेटा, हुण इत्थे एक गल नूं डिस्टिंग्विश करके चलना, एक टर्म हुंदी है एनर्जी, तुहानूं दस्सिया एनर्जी दे विच मकैनिकल एनर्जी भी आ गई, हीट भी है, साउंड भी है, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वर्ड अलग अलग आ गए। बट मकैनिकल एनर्जी बेसिकली सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज है। हुण देखो, हुण जिहड़ी गल नूं आपां डिस्टिंग्विश करना, तो आ जिहड़ा लॉ है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बेटा एक यूनिवर्सल लॉ है। मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है एक यूनिवर्सल लॉ है, और इस लॉ दी स्टेटमेंट की है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। भी एनर्जी है ना, ना तो क्रिएट होनी है ना डिस्ट्रॉय होती है, बट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है, और ये हमेशा ट्रू है इन ऑल कंडीशंस। मतलब इस यूनिवर्स दे विच कोई भी जो फिनोमिना हो रहा वा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नू मीन्स ओबे जरूर कर रहा। मतलब इदां दी वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कदी भी नहीं देखी गई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दी बेटा स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी दी स्टेटमेंट इस तो अलग है, तो दोनों नू मिक्स नहीं करना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दी स्टेटमेंट तो पता ही है थानू, है ना, कि टोटल एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कंजर्व बराबर रहती है ना, ना घटती है ना बढ़ती है आइसोलेटेड सिस्टम। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी की स्टेटमेंट इन्नी सीधी नहीं है, वो कुछ कंडीशन आनगियां बेटा, क्योंकि जो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहने तो वो हर तरह की एनर्जी इन्वॉल्व है, साउंड भी है, हीट भी है, न्यूक्लियर भी है ना, इलेक्ट्रिकल भी है, सब तरह दी एनर्जीज इन्वॉल्व है। पर जदों असी मकैनिकल एनर्जी कहने हैं तो सिर्फ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है। और अगली गल, इस तो पहला कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी बारे गल करिए, तो अगली गल तुहानू ये भी याद होनी चाहिए है, वो की बेटा, कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो तो सिर्फ आप यही कहने हैं ना कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। पर हुण इस तो अगली गल भी जुड़ चुकी है, आइंस्टाइन दे अकॉर्डिंगली इवन मास एनर्जी च कन्वर्ट हो सकता वा, और एनर्जी तो मास बन सकता वा। मतलब मास जो आइंस्टाइन तो पहला अलग मनिया जाता सी ना एनर्जी तो, वो आपां की देख रहे हैं कि ये दोनों आपस जुड़े हुए हैं, कि मास तो एनर्जी एंड एनर्जी तो मास बन सकता वा, एक दूजे ते कन्वर्ट हो सकते। तो सब तो पहला बेटा आपां मास ते एनर्जी दी गल करन लगे हैं, इनू उस तो बाद डिस्कस करना वा, क्योंकि ये दे नाल स्टेप्स जुड़े हैं ना। तो इस करके एक तां क्लियर कर लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी सेम नहीं है, फर्क है। तो हुण आपां पहला गल करिए आइंस्टाइनस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हुण बेटा ये वाला रिलेशन थानू पता ही होएगा, दैट इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर है। हुण इस फार्मूला दे विच एम की है, मास,
और सी की है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दी वैल्यू बेटा फिक्स्ड है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दी वैल्यू फिक्स्ड है। तो अगर तो देखो बेटा, अगर m मतलब कुछ मास डिसअपियर हो जाए, खत्म हो जाए, तो सपोज वो कहता भी एक रिएक्शन हो रहा वा, तो रिएक्शन दे विच थानू पता ही है बेटा, एक होंगे या रिएक्टेंट्स एक होंगे या प्रोडक्ट्स। और अगर बेटा तुसी रिएक्टेंट्स का टोटल मास निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और फिर तुसी प्रोडक्ट्स का टोटल मास निकालते हैं, तो तुसी देखते हैं कि प्रोडक्ट्स का टोटल मास रिएक्टेंट्स के टोटल मास तो घट है। तां हुण सपोज कितना घट है वो आपां नोट कर लिया ना, डिफरेंस नोट कर लिया। हुण अगर वो डिफरेंस सपोज 1 ग्राम है, 1 ग्राम, ठीक है, तो 1 ग्राम अगर मास डिसअपीयर हो गया तो उसकी जगह पे कितनी एनर्जी लिबरेट होएगी वो एमसी स्क्वायर तो निकाल सकते हैं, पर शर्त यह है कि इतने एम की वैल्यू किलोग्राम च पुट होनी है, जूल च, है ना, आंसर कढ़ना एनर्जी का अपना, तो एस आई च सब्सटीट्यूट करनी है मास किलोग्राम, और सी दिती हुई है उतों एनर्जी जूल च आ जाएगी थोड़ी। हुण बेटा यदा उलट कि अगर वो थानू कहे कि मास दे डिसअपीयर होने करके जो एनर्जी है वो इन्नी पैदा हुई है, तो अगर एनर्जी जूल च दिती हुई है बेटा तो एम सी स्क्वेयर तो एम दी वैल्यू किलोग्राम च आ जाएगी, तो ये दिमाग च रखनी है गल। पर दूसरा पॉइंट देख देखो कि जेड़ा मास है ना, अगर वो इन यू है, यू हुंदा यूनिफाइड मास यूनिट, एक्चुअली पुराना यूनिट सी ना एटॉमिक मास यूनिट AMU, तो उदा नवा यूनिट दा नाम आ गया यूनिफाइड मास यूनिट। हुण अगर बेटा गल नू समझो कि अगर थानू मास गिवन है AMU और यू दी टर्म्स, मतलब जेडे मास दे यूनिट्स है वो ग्राम किलोग्राम नहीं है, वो यू है यूनिफाइड मास यूनिट, तो फिर उस केस दे विच जेडी एनर्जी है ना वो तुसी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मास 1U गायब होया, यू स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास यूनिट, तो वो जगह पे एनर्जी कितनी पैदा होएगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हुण ये कन्वर्जन तुसी इत्थों कर सकते हैं पुत, आ देखो, हुण अगर आपां मास कहने हैं 1U, 1U मास नू किलोग्राम च की लिखांगे असीं, 1.67 इंटू 1U दी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम इन्नी हुंदी बेटा। तो हुण अगर आपां ई दी वैल्यू लिखते हैं, एम अगर 1U नू किलोग्राम च कन्वर्ट कीता, ए आ गया 1.67 इंटू 10^-27 स्क्वेयर, सॉरी स्क्वेयर करता, सी आ गया टी स्क्वेयर, तो ये आंसर जूल च आ गया पुत, ये जूल च है। पर नाल ही थानू याद होना चाहिए दसिया सीगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10^-13 जूल हुंदा पुत, इहदा मतलब आपां 1 जूल की लिख सकते हैं दिस वन, तो ओ वैल्यू इत्थे पुट कर देंगे, तो जदों आपां आ वाली वैल्यू दे नाल आ वैल्यू भी पुट करांगे तो सॉल्व करके 931.5 तो मीन्स मास तो एनर्जी और एनर्जी तो मास है ना बन सकता वा। हुण अगर थानू कोई पूछे कि एनर्जी तो मास ते मास तो एनर्जी अगर बनते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं तो इन्हां दियां एग्जाम्पल्स दसो बेटा, तो एग्जाम्पल्स तुसी नोट कर सकते हैं कि जो जदों मास तो एनर्जी की गल करते हैं बेटा तो वो एग्जाम्पल है न्यूक्लियर
फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ये दो प्रोसेसेस जेड़े है ये एग्जाम्पल्स है, इन्हां विच जो मास है वो एनर्जी च कन्वर्ट हो रहा है ना, और न्यूक्लियर फिशन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब है, और इवन जिन्हें स्टार्स है उन्हां दी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वह प्रिंसिपल बेसिक न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो ये याद रख लेना तुसी बेटा। अच्छा हुण अगर सानू कोई पूछे कि एनर्जी तो मास कन्वर्ट होने की एग्जाम्पल दसो, ये तो है मास तो एनर्जी बन रही है, तो एनर्जी तो मास की एग्जाम्पल है बेटा हुण देखो तुसी आ एक नाम सुनिया होएगा फोटोन, फोटोन हुण एक्चुअली जो लाइट है ना उदे बारे आप कहने हैं कि ये पार्टिकल्स दी बनी हुई है, एक तो कहने हैं लाइट वेव नेचर पोजेस करती है, दूजा पार्टिकल्स दी बनी है, तो लाइट काइंड ऑफ एनर्जी है और इहदे कोल पैकेट्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है एंड ईच पैकेट इज नोन एज फोटोन, तो फोटोन जेड़ा वा वो एनर्जी है, ठीक है। हुण एक्चुअली लाइट बेसिकली की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पर हुणे तो इलावा तुसी नाम सुने होने हैं पुत्र गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, लाइट, लाइट नू विजिबल रेज भी कह देने हैं, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, मैं नाम बोले हैं गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, लाइट और विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, तो ये मैं जेड़े नाम बोले हैं ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये सब फोटोन्स दियां बनियां हैं, तो एक्चुअली फोटोन नालों भी मोर बेसिक टर्म है क्वांटा, क्वांटा, और जदों ये क्वांटा लाइट दे नाल डील करता उन्हूं फोटोन कह दिंदे आ पुत, है ना, पर इन्ने चक्कर च पैण दी नहीं लोड़ आपां नूं। हुण जिहड़े गामा रेज दे फोटोनस है, गामा फोटोनस, वो असी ऑब्जर्व करते हाँ एक्सपैरीमेंटली ऑब्जर्व हो चुका वा, साइंटिस्ट ने किया वा कि कई बार गामा फोटोनस जिहड़े है वो गायब हो जाते हैं, दो गामा फोटोनस गायब हो गए और उन्हां दी जगह ते गामा फोटोनस दे गायब होने तो बाद मतलब एनर्जी खत्म हो गई और उन्हां दी जगह ते इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन ये दो पार्टिकल्स पैदा हो जाते, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन। हुण पॉजिट्रॉन बेसिकली बेटा एक एलिमेंट्री पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन ही है, बस फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों दे मासिस बराबर है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, पर चार्जिज इक्वल बट ऑपोजिट है, इलेक्ट्रॉन ते जिन्ना नेगेटिव चार्ज है पॉजिट्रॉन ते उन्ना ही पॉजिटिव चार्ज है, पर हुण कन्फ्यूज नहीं करना, पॉजिट्रॉन ते प्रोटोन च फर्क है पुत, प्रोटोन ते इलेक्ट्रॉन दे मासिस बराबर नहीं है, बट पॉजिट्रॉन ते इलेक्ट्रॉन दे मासिस बराबर है ते चार्जिज इक्वल बट ऑपोजिट है, तो कई बार देखने आया एक्सपेरिमेंटली कि दो फोटोन्स ऑफ गामा रेज गायब हो गए और उन्होंने जगह पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पैदा हो जाते हैं, और अगर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन गलती नाल एक दूजे के नेड़े आ जान तो ये खत्म होकर फोटोन्स पैदा हो जाते हैं, अगेन मास एनर्जी कन्वर्ट हो सकता, तो कहने का मतलब ये कि एनर्जी तो मास एंड मास तो एनर्जी बनती है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवड गल है, मत जस्ट असी थ्रैटिकली नहीं गल कर रहे, ये एक्सपैरीमेंटली प्रूवड गल है, तो हुण ई और एम सी स्क्वेयर ये रिलेशन जड़ा वा ये तुसी याद रखना वा, तो मास तो एनर्जी या एनर्जी तो मास इहदे अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करनी है, और एक गल दसती है कि एम सी स्क्वेयर फार्मूला यूज करते वक्त एम किलोग्राम च होएगा और ई जूल च आएगा, है ना,
और अगर तुसी ई नू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट च कैलकुलेट करना, फिर ओदे च 1 जूल के दे बराबर है, 1 बाय 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो ये रिलेशन याद रख लेना। हुन बेटा ये तो सी रिगार्डिंग कि मास एनर्जी ये एक दूजे दे इक्वल है बराबर है। हुन असी वापस जिथों गल स्टार्ट कीती सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दी, बेटा हुन देखो आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम हुंदा बेटा जेदे ऊपर नेट फोर्स जीरो है। आइसोलेटेड सिस्टम दा मतलब नेट फोर्स जीरो। हुन थानू याद होना चाहिदा कि नेट फोर्स कैलकुलेट करदे हां सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। हुन बेटा थानू याद होएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दी स्टेटमेंट कि अगर नेट फोर्स जीरो है एक्टिंग ऑन ए सिस्टम तो उस सिस्टम दी लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी। तो अगर किसी सिस्टम दी लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उदा मतलब है उदे ते नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होएगी ओनली देन लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम वुड रिमेन कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और आइसोलेटेड सिस्टम जेड़ा वर्ड है जदों थोड़े सामने आ जाए ना आइसोलेटेड सिस्टम, तो उदा मतलब ही है नेट फोर्स जीरो। इस करके आइसोलेटेड सिस्टम दी बेटा जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट है। पर हुन ध्यान दियो बेटा गल सुनो, हुन देखो कोई भी जो सिस्टम है अगर वो दो या दो तो ज्यादा बॉडीज का बनया या दो तो ज्यादा पार्टिकल्स का बनया वा, तां उस सिस्टम दे पार्टिकल्स या बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज एक दूसरे ते जड़ियाँ फोर्सेस लगांदियां वा उन्हों असी यूज करते हैं इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस। और ये गल थानू मैं दसी है कि इंटरनल फोर्सेस दा सम हमेशा जीरो होना बेटा, है ना। पर अगली गल सुनो बुद्ध, इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव भी हो सकती हैं नॉन कंजर्वेटिव भी। हुण देखो हुण आपां गल लै चलदे हां वापस बुलेट गन सिस्टम ते। गन बुलेट सिस्टम जो है तो इहदे विच हुंदा की है कि जदों फायर कीता जांदा बेटा तां गन बुलेट ते फोर्स लगांदी है और बुलेट गन ते फोर्स लगांदी है ना। पर ध्यान दियो बेटा, चाहे गन ने बुलेट ते फोर्स लगाई बुलेट ने गन ते फोर्स लगाई, पर गन बुलेट दे केस च ना ये जिहड़ियां फोर्सेस है जिन्हों असी इंटरनल फोर्सेस कहना ये नॉन कंजरवेटिव फोर्सेस है। मतलब इंटरनल फोर्सेस कंजरवेटिव भी हो सकदियां नॉन कंजरवेटिव भी। हुण जिहड़ी मैं गल दसन लगा बेटा इहनू ध्यान नाल सुन लियो कि अगर थानू कोई कवे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो क्या उस सिस्टम दी टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, तो आंसर आना यस, हमेशा कांस्टेंट होएगी। आइसोलेटेड सिस्टम दी टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होएगी। पर अगर मैनू कोई पूछे कि आइसोलेटेड सिस्टम दी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होएगी कि नहीं होएगी, हुण इहदा आंसर करन तो पहला मैं अगला क्वेश्चन की पूछना वा
कि ये जड़ा आइसोलेटेड सिस्टम है इन्हें अंदर इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर दिया के नॉन कंजर्वेटिव दिया। हम गल नू समझियो बेटा, हम फर्क समझो। अगर मैनू कोई पूछता वा कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्या उस आइसोलेटेड सिस्टम दी टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होएगी कि नहीं होएगी, मैं कहना यस, हमेशा होएगी। आइसोलेटेड सिस्टम दी टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट है। पर अगर मैनू कोई पूछे कि आइसोलेटेड सिस्टम दी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, तब मैं इस गल का आंसर नहीं कर सकता जब तक मैनू अगले पॉइंट्स नहीं पता। हो की नहीं पता कि ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है ये इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। हुण अगर अगर वो कहे कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, हुण गल सुनो पुत, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो ये आइसोलेटेड सिस्टम विद कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस, और दूजा हो सकता आइसोलेटेड सिस्टम विद कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। तो अगर बेटा थोड़ा आइसोलेटेड सिस्टम है वो फोर्सेस इंटरनल चाहे कंजर्वेटिव है, चाहे सारिया ही नॉन कंजर्वेटिव है, चाहे मिक्स है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहनी रहनी है। पर मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ उस आइसोलेटेड सिस्टम च कंजर्व रहेगी जेदियां इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव होनगियां। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व, पर इतने नहीं रहेगी। सो इहदा मतलब कि किस सिस्टम दी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो सिर्फ उस आइसोलेटेड सिस्टम दी जिहदे अंदर इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव है। जे एक भी इंटरनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहनी। ठीक है, तो हुण नॉन कंजर्वेटिव च फ्रिक्शन आ गई, विस्कस फोर्सेस आ गई हैं, तो वो उस केस च मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रह पानी क्योंकि वह कुछ पार्ट हीट च कन्वर्ट हो जाना बेटा, और हीट मैकेनिकल एनर्जी दी नहीं हिस्सा, वो एनर्जी का तो पार्ट है बट मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट नहीं है। तो कहने वाली गल की है कि अगर थानू कोई पूछे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की स्टेटमेंट लिखो, तो वो स्टेटमेंट की बनेगी, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट ओनली इफ ऑल द इंटरनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दी स्टेटमेंट है। हुन बेटा इहदा मतलब किसी भी सिस्टम दी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी कि नहीं रहेगी, इहदे लई तुहानू की देखना पड़ेगा भी एक तां नैट फोर्स जीरो होए, मतलब सिस्टम आइसोलेटेड होए, और नाल ये भी देखना पैना कि इंटरनल फोर्सेस सारियां कंजर्वेटिव हों, ओनली देन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। पर अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो थानू ये देखने की नहीं लोड़ कि इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है कि मिक्सड है। लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहनी है, पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी कि नहीं रहेगी, तो उत्थे आइसोलेटेड के नाल नाल इंटरनल फोर्सेस भी कंजर्वेटिव होनिया जरूरी है। सो ए है रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी। तो ये बारे आप प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करांगे, है ना, आर्टिकल भी डिस्कस करांगे।